हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का टाइप 4। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। टाइप 4 तब लगता है जब हमारा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 फेल हो जाता है। सेकेंड, अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंट्रोड्यूस्ड हो तो टाइप 4 लगेगा, और अगर हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मोर देन वन टर्म्स आएंगी तब भी टाइप 4 लगेगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व इन द सेंस उसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन हम तभी फाइंड कर पाते हैं जब हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट होती है। तो हम पहले चेक करेंगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये एग्जैक्ट है कि नहीं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस ई पावर वन डिवाइड बाई एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए हम डेल एम डिवाइडेड बाई डेल वाई फाइंड करेंगे और डेल एन डिवाइडेड बाई डेल एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब मैं एम को पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करूंगा दिस विल गिव मी टू एक्स वाई, और जब मैं एन को पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा दिस विल गिव मी माइनस टू एक्स वाई। सिंस डेल एम डिवाइड बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन डिवाइड बाई डेल एक्स, देयर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। ये नॉन एग्जैक्ट है, पर हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है इसका, तो उसके लिए हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दैट शुड बी एग्जैक्ट। अब मुझे इसे एग्जैक्ट बनाना है, पर उससे पहले मुझे पता होना चाहिए ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाई टाइप 4। ठीक है, और टाइप 4 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा किसके बराबर होता है, जैसे आपको पता है टाइप 2 में 1 डिवाइडेड बाई एम एक्स प्लस एन वाई होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइप 3 में 1 डिवाइडेड बाई एम एक्स माइनस एन वाई होता है, लेकिन यहाँ पे अलग फंडा है। यहाँ पे हम कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना डिटरमाइन करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, डेल एम डिवाइडेड बाई डेल वाई माइनस डेल एन डिवाइडेड बाई डेल एक्स होल डिवाइडेड बाई एन। अगर ये प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स हुआ देन हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है दैट्स इक्वल टू ई रेज पावर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और अगर ये नहीं हुआ देन हमारे पास और एक तरीका है, हम करते हैं डेल एन डिवाइडेड बाई डेल एक्स माइनस डेल एम डिवाइडेड बाई डेल वाई होल डिवाइडेड बाई एम। अगर ये प्योरली फंक्शन ऑफ वाई हुआ से g ऑफ y, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज पावर इंटीग्रल ऑफ g ऑफ x dx। ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है, तो आपका जो क्वेश्चन है या तो इससे सॉल्व होगा या इससे सॉल्व होगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। अब हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन है इसमें हम पहले ये वाला अप्रोच यूज़ करेंगे, इसको मैं पहले रब करता हूँ। पहले क्या फाइंड करेंगे, डेल m डिवाइड बाई डेल y माइनस डेल एन डिवाइडेड बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई एम विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 2xy है और यहाँ पे माइनस है, माइनस और माइनस प्लस बनाएगा 2xy डिवाइडेड बाई एन हमारा कितना है माइनस एक्स स्क्वायर वाई। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा दिस विल बिकम 4xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई और माइनस ऊपर आएगा। ठीक है, स्क्वायर और एक एक्स कट होगा, वाई और वाई कट होंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइडेड बाई सॉरी माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स विच इज़ प्योरली द फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि इस टर्म में सिर्फ एक्स है, वाई तो है ही नहीं, सो दिस इज़ प्योरली द फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल सकते हैं, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज पावर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ई रेज पावर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारा कितना है माइनस फोर एक्स, माइनस फोर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा वन डिवाइड बाई एक्स उसके बाद डी एक्स। सो इंटीग्रल ऑफ वन डिवाइड बाई एक्स होता है लॉग एक्स, और आपको पता है ई रेज पावर लॉग एक्स होता है एक्स के बराबर, मैं यहाँ पे लिखूंगा बिकॉज ई रेज पावर लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस फोर, और इसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो मैं इसे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा एक्स पावर फोर। सो और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई एक्स पावर फोर। अब मैं इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा विच इज़ नॉन एग्जैक्ट, इट विल बिकम एग्जैक्ट, इसके बाद मैं इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड कर पाऊंगा।
तो पहले मैं इसे रफ करता हूँ. तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 4. जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू इक्वेशन 1. जब मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये मेरा बन जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब, है ना. जब मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा तो ये बन जाएगा मेरा ई पावर 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स पावर 4. इसको मैं करता हूँ बंद. फिर उसके बाद डी एक्स माइनस, जब मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 4, तो ये बन जाएगा वाई डिवाइड बाई एक्स पावर 2. उसके बाद डी वाई इज इक्वल टू 0. अब जब मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, सो इट बिकेम एग्जैक्ट. मैं लिखूंगा विच इज एग्जैक्ट. अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन. सो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू सी. एम की टर्म्स में मैं वाई को कॉन्स्टेंट लेता हूँ, सो वाई कॉन्स्टेंट. और एन की टर्म्स में एक्स लेता ही नहीं हूँ, मैं लिखूंगा फ्री फ्रॉम एक्स विच इज इक्वल टू. देखो यहाँ पे एम की टर्म्स क्या है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, और उसके बाद माइनस ई पावर 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब होल डिवाइड बाई एक्स पावर 4 डी एक्स. और एन की टर्म्स में मुझे एक्स की टर्म्स लेनी नहीं है, सो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, विच इज इक्वल टू सी. आप लिखो ना लिखो एक ही बात है. जब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा, विच इम्प्लाइज, देखो हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर जो है ऐसे ही रहेगा, कॉन्स्टेंट. हमें बस इंटीग्रेशन करना है 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब का, और 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है 2x स्क्वायर लेकिन माइनस, ठीक है. और इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, अलग से करेंगे. क्यों? बिकॉज दिस इज एन इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, इसे इनडेफिनेट इंटीग्रल इसको मैं सॉल्व करूँगा विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. आपको मैंने पढ़ाया वो डी एक्स इज इक्वल टू सी, पुट 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, ठीक है. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू टी. जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा इट विल बिकम माइनस 3x, उसके बाद माइनस 4 इज इक्वल टू और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना. एक्स को नीचे लाऊंगा मैं, माइनस 3 डी एक्स ऊपर रहेगा, है ना. डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 इज इक्वल टू डी टी. और मुझे यहाँ पे क्या है, 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 4, तो मैं क्या करूँगा माइनस 3 को वहाँ ले जाऊँगा. ये रहेगा डी एक्स डिवाइड बाई एक्स पावर 4 इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई 3 बट माइनस, क्योंकि माइनस भी था यहाँ पे, ठीक है. इसको मैं लिख सकता हूँ अब विच इम्प्लाइज माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, चलो मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अब यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ, देखो 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 डी एक्स, 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 डी एक्स किसके बराबर है, माइनस डी टी डिवाइडेड बाई 3. अब माइनस 3 जो है माइनस 1 डिवाइड बाई 3, दैट्स कॉन्स्टेंट, वो इंटीग्रल के बाहर आएगा. ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस बन जाएगा और 1 डिवाइड बाई 3 बाहर आएगा. सो इसको शॉर्ट बनाते हैं अब, क्योंकि ऑलरेडी लंबा हो चुका है. और यहाँ पे क्या बचा, अब ई पावर 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 3, उसको हमने कितना लिया था टी, तो यहाँ पे बचा ई पावर टी, ठीक है. तो ये मेरा आएगा माइनस वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटीग्रल ऑफ ई पावर टी, किसके बराबर होता है ई पावर टी के, है ना, ई पावर टी. और वहाँ पे था इज इक्वल टू सी, और यहाँ पे भी इज इक्वल टू सी. यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 3 2 6, ठीक है. ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है. और जब मैंने एलसीएम लिया तो ये बनेगा मुझे कितना, 3 माइनस 3, ठीक है. और यहाँ पे बचेगा प्लस 2 ई पावर टी. टी की वैल्यू कितनी है, टी मैंने किसको पुट किया था, 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 3 इज इक्वल टू कैपिटल सी. वेयर मैं लिखूंगा वेयर कैपिटल सी इज इक्वल टू 6 इंटू स्मॉल सी, विच इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. थोड़ा सा लेंथी था, क्यों, क्योंकि इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रल भी था, उसको सॉल्व करना था. एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे, आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.